Hello friends, welcome you all to NEET MDS Dental Academy. Myself Dr. Khusboo, I am cosmetic and implantologist at Ahmedabad and I am part of NEET MDS Dental Academy also. First of all, I want to thank you all for the love and support given to the all previous two lectures. Those who have missed the lectures, your I button is top over. So from the name only, you can come to know that today we are going to talk about the overthinking and the failure is a good teacher. So first of all, what do you mean by overthinking? Overthinking का meaning कोई भी situation हो जिसे हम over exaggerate करते हैं. जैसे day to day life में आप एक ऐसे कोई तो इंसान को मिले होंगे जो एक small सा चीज होगा जिसको वो double triple times करके exaggerate करके वो बताते होंगे. Suppose our patients only जिसे थोड़ा सा problem होगा और वो बोलेंगे मैं पूरी पूरी रात सो नहीं पाया, मैं ये खा नहीं पा रहा हूँ, वो ज़्यादा अपना ट्रबल बताते हैं. तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट जो पेशेंट कंप्लेन है. बट पर्सनल लाइफ में अगर आप छोटे छोटे हर्डल्स को ऐसा बोलोगे कि शिट दिस इज़ सो मच बिग, जो एक्चुअल में वो बिग है ही नहीं प्रॉब्लम आपके लिए. जैसे ये क्वारंटाइन शुरू के कुछ दिनों में मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगा कि हाउ टू डील विद दिस क्वारंटाइन पीरियड, हाउ वी कैन फेस इट. बट अब आई एम गेटिंग यूज टू इट. जैसे किसी ने सही बोला है 21 डेज आर इनफ टू ब्रेक और क्रिएट एनी हैबिट. तो मैं आपसे यही डील करना चाहती हूँ कि पहले तो आप किसी भी चीज़ को ओवर रिएक्ट मत करो, ओवर थिंक मत करो, लेट इट बी इन फ्लो. क्योंकि ओवर थिंक करने से क्या होता है कि सबसे पहले हमारा माइंड जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है वो हमारे थॉट्स एंड क्रिएटिव आइडियाज़ को ब्लॉक करता है. तो अगर आप जो सॉल्यूशन ढूंढने चाह भी रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग दैट सॉल्यूशन एट दैट पॉइंट. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, सेल्फ हेल्प उसी का एक छोटा पार्ट है. जैसे अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, आप उसको ओवरथिंक कर रहे हो एंड यू आर द ओनली पर्सन हु इज गोइंग टू सफर. आपको सॉल्यूशन मिलेगा नहीं आपको कि हम इससे कैसे डील करें. लकी इनफ होंगे अगर आपको कोई और गाइड करे और आपको वो सॉल्यूशन में से सॉल्यूशन दे पाए या ट्रबल से निकलने का रास्ता दे पाए तो आप उसे क्रैक कर लोगे. बट वॉट इफ नोबडी इज देयर. तो मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा ओवरथिंक मत करो ताकि ये स्ट्रेस हार्मोन आपके क्रिएटिव आइडियाज को ब्लॉक ना करे और आप सॉल्यूशन ढूंढने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहो. क्योंकि कभी भी फेलियर्स तो आपको बहुत सारे मिलेंगे बट सॉल्यूशन बहुत कम मिलते हैं और वो खुद ही ढूंढ पाओगे आप. आप क्या सोचते हो कि अगर हम ओवरथिंक करेंगे यू विल गेट सम सॉल्यूशन? नो, आपको और नेगेटिव 100 पॉइंट्स मिलेंगे पर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. लेट्स टेक एन आइडिया कि सपोज ये क्वारंटाइन पीरियड है, मेरे पेशेंट्स अब डिस्टर्ब हो गए, तो मैं ये ज़्यादा सोच के अभी के अभी क्लिनिक जा पाऊंगी, अभी के अभी मैं वो पेशेंट्स कर पाऊंगी? नो, नेवर. तो लेट्स डू वॉट इज इन माई हैंड. जैसे मैं अच्छा मार्केटिंग करूँ, मेंटली स्ट्रांग रहूँ ताकि जब मैं 6 महीने बाद या 21 डेज के बाद जब हम वापस काम पे आए तो कम बैक विथ सम गुड आइडियाज, सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. जैसे अभी यूएस में एक ट्रेंड चल रहा है कि जो लोग भी लॉकडाउन हुए हैं उसमें मैक्सिमम पीपल आर गोइंग थ्रू फ्रॉम द डिप्रेशन, तो ऑनलाइन एंटी डिप्रेशन कंसल्टेशंस आर गोइंग ऑन. तो हमें ये नहीं करना है. तो बी योर सेल्फ, अच्छे से थिंक करो, स्टे पॉजिटिव और ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत करो कोई भी सिचुएशन में. एंड आई विल सजेस्ट यू दैट सबसे अच्छा सॉल्यूशन और करेक्ट पाथ दिखाने वाले इंसान आप ही हो. जैसे अगर आपको लग रहा है कि आज मैं स्टक हूँ कोई प्रॉब्लम में, सिट, रिलैक्स, टेक 1-2 डीप ब्रेथ एंड देन मेडिटेट करो और उसी में आपको कहीं ना कहीं कोई तो रीज़न मिलेगा. दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. जैसे मैं कोई पेशेंट के कोई ट्रीटमेंट है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसका डायग्नोसिस है तो उसका मुझे ट्रीटमेंट ऑन द स्पॉट नहीं मिल रहा. आई नेवर जम्प ऑन द डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान ऑन द सेम डे. मैं उसे कास्ट बनाती हूँ, स्टडी मॉडल्स बनाती हूँ एंड देन आई फाइंड आउट द मल्टीपल 2-3 ऑप्शंस. क्योंकि एज आई हैव टू फिट इन द पेशेंट्स इकोनॉमिक रेट ऑल्सो, टाइम durations also एंड लास्ट पेशेंट what ही wants, रिमूवेबल, फिक्स, etc. तो हम पहले रिलैक्स होकर सोचते हैं. जब हम ये ऐसा करते हैं आई एम श्योर यू विल गेट मल्टीपल्स ऑफ ऑप्शन. कितने ऐसे लोग होंगे जो पहले सोचते होंगे नहीं नहीं हम ये ट्रीटमेंट करेंगे, एट एंड हम सोचेंगे या आई थिंक दिस कैन बी also वन ऑप्शन. तो ये क्यों करें? दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल दैट ओवर रिएक्ट ना करें. लास्ट आई विल लाइक टू से अ स्मॉल स्टोरी.
जैसे एक छोटा पाइपर बर्ड है जो हमेशा शेल्स जो होते ना उसके अंदर के इंसेक्ट्स को खा के उसी पे वो जीता है। तो एक बेबी पाइपर था, तो जैसे बड़े बड़े पाइपर बर्ड्स होते हैं उनके बहुत लॉन्ग लेग्स होते हैं, तो जब भी वो वेव्स आती है दे कैन स्टैंड देयर, वो उनको पानी में ले नहीं जाता। जब छोटा पाइपर था तो एक बार उसने ये देखा कि अच्छा मेरे पेरेंट्स कैसे ये फूड फेच करते हैं, तो लेट मी ट्राई ऑल्सो। ये फैसिनेटिंग पीरियड होता है बच्चों का। तो जब वो गया वो ट्राई करने, तो फर्स्ट वेव ने उसको एंगल्फ कर दिया। अब ये सोचो क्या हुआ, दिस इज द फेलियर। तो वो बच्चा इतना डर गया, तो उसने सोचा भाई ये मेरे बस की बात ही नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बच्चा मायूस होके एक जगह पे बैठ गया, उसका बहुत बुरा एक्सपीरियंस था ये। नेक्स्ट क्या हुआ, वहां पे छोटा सा स्नेल, पाइपर से भी आई थिंक 4 टाइम स्मॉलर वो स्नेल था, वो वेव्स में आया। तो उसे लगा पाइपर बर्ड को कि ये अभी डूब जाएगा, ही इज गोइंग टू एंड ऑफ हिज लाइफ। उतने में ही उसने देखा जैसे ही वेव क्लियर आउट हुई, वो पाइप वो छोटा सा स्नेल वापस सैंड में से ऊपर आया। तो छोटा बर्ड इतना फैसिनेट और इतना इम्प्रेस हो गया कि लेट मी ट्राई ऑल्सो। तो वो बर्ड उसी की टेक्निक से पानी में गया, जब वेव्स आई उसने डिक करके सैंड में ही अपने आप को अंदर दबा दिया। जैसे हम अब ये क्वारंटाइन में हम लॉकअप है, वैसे ही वो सैंड में लॉकअप हो गया। लॉकअप जैसे वेव्स गया वो वापस ऊपर आया, और जब वो अंदर वाटर में था तो उसने देखा कहाँ कहाँ शेल्स है। वैसे ही ये क्वारंटाइन पीरियड में हम अपने कई सारे पॉइंट्स जो हम डे टू डे लाइफ में नहीं फोकस कर पाते, अभी हम फोकस करेंगे। जैसे ये क्वारंटाइन पीरियड जो वेव्स है वो चला गया, पाइपर बर्ड ऊपर आया और उसने वो सारे शेल्स को लिए और उसमें से फूड फेच करने लगा। तो आपको इससे क्या सीखने मिला, फेलियर इज अ गुड टीचर। जैसे फर्स्ट टाइम में वो वेव्स में संक हो गया, बट सेकेंड टाइम ही स्टूड अप, ही शाइन बैक। वैसे ही हमें करना है। ये 21 डेज इस हमारे लिए एक हर्डल है, उसे हमें क्रैक करना है। इसे डिप्रेस होके मायूस होके बैठ जाएंगे तो नो बडी इज गोइंग टू कम बैक अगेन। तो हमें ये टाइम पे छोटे छोटे चीज़ों पे फोकस करना है कि मेरा क्या नेगेटिव पॉइंट है, मैं कहाँ पे लैक कर रहा हूँ। क्योंकि इतना अच्छा वैकेशन पीरियड मेरे ख्याल से अभी तक किसी को नहीं मिला। दिस इज द फर्स्ट टाइम काफ़ी सेंचुरीज में 21 डेज एवरी वन इज लॉकअप। और ये टाइम पे आप देखोगे कई सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और कुछ लोग उभर के आ रहे हैं। तो आई वॉन्ट यू टू बी ऑन द सेकेंड जोन, ठीक है गाइस। सेकेंडली मैं चाहती हूँ कि हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री सीरीज ऑफ लेक्चर चल रहे हैं उसका मैं इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सेकेंडली हम यूट्यूब लाइव पे कि आपको कौन सा ब्रांच लेना है, कौन सी फील्ड आपको सिलेक्ट करना है, उसका हम लाइव यूट्यूब हम आने वाला है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम जल्दी आपको बता देंगे। एंड स्टे सेफ, बी हैप्पी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर एज मच यू कैन। थैंक यू।